बार सभी मिलके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। इस समय पूरे भारत में भगवान राम को सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो आप भगवान राम को जानते हैं तो उनके पूर्वज को क्यों नहीं जानते? तो मैं ये कोई नया काम करने नहीं जा रहा हूँ। भगवान राम के कुल और वंशज का नाम है, जहाँ से सगर और सागर उन्हीं के कुल में दशरथ हुए हैं। तो भगवान राम को स्थापित माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं अयोध्या में, और उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम भी तो देश में रहते हैं, तो साधु संत का भी तो कार्य है ना। वृक्ष कवो नहीं फल भजे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो हमारा पर्पस जो है, हमारा विषय जो है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि भगवान राम को अगर आप जानते हो, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सुंदर सा विचार है कि आप तभी जाने जाओगे जब आपके पिताजी का नाम आप जानते हो, आप अपने बाबा का नाम जानते हो, अपने माँ का नाम जानते हो, अपने नानी नाना का नाम जानते हो, तो आप अपने कुल का नाम जानते हो। ऐसे ही भगवान राम के कुल और वंशज हैं समुद्र, और वो लक्ष्मी के पिता हैं, और आप सब जानते हैं नारायण लक्ष्मी के साथ समुद्र में ही शीर्षैया में विश्राम कर रहे हैं। तो आज तक समुद्र को क्यों नहीं पूजा हमने? हम लक्ष्मी घर घर बसाते हैं, हम लक्ष्मी को घर घर लाना चाहते हैं, लेकिन उनके पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो लक्ष्मी खुश होंगी? इसलिए अपने घरों में लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए आपको समुद्र का पूजा करना चाहिए। इसलिए हमने संकल्प किया है कि भारत में हर जगह, जहाँ जहाँ नदी, जहाँ पे समुद्र का बीच है, हर जगह समुद्र आरती करेंगे और समुद्र को पवित्र बनाएंगे, और समुद्र के किनारे हम विकास करेंगे। यही शुभकामना करने के लिए हमने समुद्र आरती संकल्प किया है। अभी आरती कैसे होगी और अलग अलग शहरों में कैसे प्लान किया जाएगा? आरती का देखिए एक ही संदर्भ है। हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जो पवित्र होती है, जो सम्मान में, जो हमसे विशाल होती है, जो हमसे ज़्यादा पूर्ण होती है। अब आप एक विचार रखिए, आपको मैं पूछता हूँ, दुनिया की सारी नदियाँ अगर समुद्र नहीं हो तो कहाँ जाएंगी? दुनिया का सारा जल अगर समुद्र नहीं हो तो कहाँ जाएंगे? पूरे विश्व को 70% समुद्र है, देवता हैं, और 30% में पूरा विश्व है। 70% हमारे शरीर में पानी है और 30% में हमारा हाड़ मांस बना हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर समुद्र देवता अपना बैलेंस खो दें तो क्या आप कहीं पे भी सुरक्षित रह पाओगे? आप मुंबई के कितने प्रकार के लोग रहते हैं, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई वैश्य कहता है, कोई शूद्र कहता है, कोई मुस्लिम कहता है, कोई सिख कहता है, लेकिन सबके नदियों के जल, सबके बाथरूम के जल कहाँ जाके मिल रहे हैं? समुद्र में। अगर समुद्र देवता बोले हम तुम्हारा नहीं लेते, तुम अपना अपने अपने सेंटर खुद बनाओ, फिर क्या होगा तुम्हारा? इसलिए इतने सहनशील समुद्र देवता, जिन्होंने सारा जल, सारा प्रवृत्ति अपने ऊपर ले रखी है, ऐसे समुद्र देवता को भगवान राम ने रामेश्वरम में पूजा, उसके किनारे बैठ के रामेश्वरम बसाया। जब पुल बांधने जा रहे थे भगवान राम ने स्वयं पूजा, उनकी पूजा करना हमारा कर्तव्य है और सनातन ये कहता है। इसलिए हमने नियम बनाया है कि जब पूर्ण चांद होता है, पूर्णिमा के रात में समुद्र में अजीब लहरें होती हैं, इतनी दूर से भी कनेक्शन होता है, इसलिए हर पूर्णिमा को हम यहीं जहां पे आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी जगह पे समुद्र आरती करेंगे। इस विषय को पूर्ण करने के लिए हमारे साथ आप देख ही रहे हैं, हमारे दाहिने अंग में स्मिता ठाकरे जी बैठी हैं, परिवार हैं, उनके बगल में रीना जी बैठी हैं, रीना पासी जी, और उसके हमारे बाएं साइड सुभाष पासी जी बैठे हैं। अभी ये आपको जरूर दो दिख रहे हैं, लेकिन याद रखिए, जब परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी चले थे और जब उन्होंने राम मंदिर या जब उन्होंने बीजेपी बनाई थी, तब उन्होंने नहीं सोचा था। वही ध्यान रखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम चलेंगे, शुरू करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मिले, उसी के बाद। ऐसे ही जीवन में हर कार्य को शुरू करते हैं, और आज पूरे देश में राम को बताने की जरूरत नहीं है, हर गली में राम है, हर जगह राम है, और राम के कुल का पूजने का हमने संकल्प किया है। जिसका नियम आपने गंगा आरती देखी है, आपने गोदावरी आरती देखी है, आपने कावेरी आरती देखी है, उससे भी भव्यता से, उससे भी सुंदर हम समुद्र आरती करेंगे, यही हमारा संकल्प है। सर, केवल एक ही दिन होगी कि इसको हर साल मनाया जाए? नहीं, एवरी मंथ, हम हर साल नहीं, हर महीने में एक पूर्णिमा आती है, हर एक दिन चांद पूरा होता है। हमें नहीं मालूम कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी से पूछा जाए कि चांद छोटा बड़ा क्यों होता है तो आप सबको नहीं पता होगा, लेकिन बस चांद बड़ा होता है, छोटा इतना। लेकिन जब आप कभी समुद्र आरती में आएंगे तो आपको पता लगेगा चांद इतनी दूर है लेकिन समुद्र को इफेक्ट करता है। यही हमारा साइंस है और यही मेरे भारत का सनातन है। हम आपके पास ये कहने आए हैं कि
जितने भारत में सनातनी हैं, हम सबको आह्वान करते हैं कि आइए समुद्र आरती करेंगे। आपने नदियों को खूब कर लिया, अब विश्व को एक करेंगे, विश्व में राम राज लाएंगे, विश्व में राम स्थापित करेंगे और विश्व में सनातन स्थापित करेंगे। ये समुद्र आरती से हम संकल्प करते हैं और हर महीने एक पूर्णिमा आती है, हर पूर्णिमा को करेंगे और भगवान ने इस लायक बनाया तो एवरी डे करेंगे, यही करेंगे और यही बैठ के करेंगे, हर घाट में होगी। स्मिता जी, आप इस संस्था से जुड़ी हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे इस समुद्र आरती का, आपने भी बाहर उठाया है। पहले तो आप सभी को नमस्कार, और इतना खूबसूरत कार्य परम पूज्य आदरणीय श्री 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 तुलसी महाराज जी ने शुरू किया है, तो हम तो बहुत ही छोटा सा सहयोग देना चाहेंगे, क्योंकि ये उनकी संकल्पना है। उन्होंने ऑलरेडी गोमती किनारे भी समुद्र आरती के करे हैं, और समुद्र के बारे में शायद हम सभी को इतना पता नहीं था, और हम उसको समुद्र देवता कहते तो थे, पर समुद्र के बारे में हमने हमेशा भगवान जी को, हर कोई अलग अलग भगवान जी को मानते हैं, पर समुद्र देवता ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़े देवता है, जिनको हमने कभी पूजा नहीं है, जिनकी आरती कभी की नहीं है। तो ये संकल्पना हमारे गुरु जी से हमको मिली है, आप सभी को मिली है, और ये कार्य जो होने जा रहा है उसमें हमने तो हम सभी सहयोग तो दे ही रहे, पर आप सभी को सहयोग देना उचित रहेगा, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा है कि लक्ष्मी इनकी पुत्री है, तो अगर हम लक्ष्मी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए, तो इनको अगर पूजेंगे तो ये हमको आशीर्वाद मिलेगा और हमारे घर में अपने आप लक्ष्मी और नारायण जी की कृपा होगी। महाआरती की जो संकल्पना है वो हमारे परम पूज्य आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, हम जो हमारे ससुर हैं, उन्होंने शुरू की थी, और जब इन्होंने ये संकल्पना हमसे डिस्कस की तो हमने कहा कि हमारा तो साथ देना बनता है, और हमें बहुत बहुत खुशी होगी कि अगर हम इस योग्य आप समझें और हम आपको साथ दें। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको कहा कि आप अगर अच्छे भाव से और जुड़ना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा कार्य है और हम इसे जुड़ना चाहते हैं, और ये कार्यक्रम ना ही सिर्फ इस पूर्णिमा में या यहाँ इस देश में होगा, हम चाहते हैं कि ये देश देश में जहाँ भी समुद्र है वहाँ हम ये आरती को लेके जाएंगे, और इसका प्रयास ज़रूर गुरु जी करेंगे, और जो जिनकी पूरी मेहनत है सुभाष पासी जी और उनकी पत्नी रीना पासी जी, उनके साथ मिलके हम हर लोगों तक उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रीना जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई साहब, मैं आपको बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि गुरु जी के विचारधारों से हम लोग ने समुद्र आरती का जो ये कार्यक्रम किया है, तो मैं यही चाहती हूँ कि ये अच्छे से हो और सभी इसमें सहयोग करें, और ये समुद्र आरती जो हम लोग एक जो उठाया है पैगाम, काफ़ी देर तक, काफ़ी मतलब दुनिया तक जाए, यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में भी जो समुद्र है वहाँ पर हम इस आरती को मतलब करें। सुभाष जी, आप 18 महीने से पेपर वर्क सुभाष जी आप इतने समय से इसकी कोशिश कर रहे हैं, परमिशन और बाकी सब सारा कुछ संचालन देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे साथी के लिए? सबसे पहले तो कल अयोध्या के अंदर जितना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा का कल मुहूर्त है, और उसके एक दिन पहले आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, जो समुद्र महाआरती का जो विचार हम लोगों के मन में आया, थोड़ा सा समय जाएगा, उस विचार में मैं बताना चाहूँगा कि उसमें सारा योगदान हमारे तुलसी महाराज गुरु जी का है। इनसे मेरे कम से कम 15 सालों से संबंध है, मेरे यहाँ आते थे, एक पारिवारिक हमारा रिश्ता है। हम लोग बीच पे टहल रहे थे, तब गुरु जी ने कहा कि सुभाष, जैसे गंगा आरती होती है, यमुना आरती होती है, गोदावरी आरती होती है, क्यों ना इतने बड़े समुद्र में, मुंबई शहर में, हम लोग समुद्र आरती का प्रयोजन करें। तो उसी दिन हम लोगों ने संकल्प लिया कि गुरुजी, हम लोग यहाँ पे समुद्र महाआरती करेंगे। आज 18 महीना 16 दिन हो गया है आज की तारीख जब से हम लोग इसमें लगे हुए हैं, शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा कि जिस दिन हम लोग इसके विषय में चर्चा नहीं किए होंगे।
जब माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आए हुए थे इन्वेस्टर मीट के लिए, तो उस समय भी हमने उनको एक इन्विटेशन दिया था कि हम जुहू पे समुद्र महाआरती करेंगे, लेकिन बहुत सी बाधाएं आई। फिर हम लोगों ने एक संस्था रजिस्टर्ड किया जिसका नाम है समुद्र महाआरती फाउंडेशन, जिसमें यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं माननीय गुरुजी रीना जी और स्मिता जी, मेरा बेटा राज है, और कल रात को गुरुजी ने मुझे इसमें एक पद दिया कि मैं कार्य करता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, भागदौड़ करता हूँ। तो सुभाष जी तुम्हें भी एक हम पद दे रहे हैं, राष्ट्रीय संयोजक हमारे यही। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत बार परमिशन के लिए डाला, इसके पहले भी हमने परमिशन के लिए डाला, कलेक्टर से ये मैसेज आया कि छठ पूजा यहाँ पे होती है तो आपको हाईकोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। फिर बहन ने बहुत कुछ कहा और राज्यपाल जी का फ़ोन आया था कलेक्टर को, उन्होंने कहा कि हम कार्यक्रम के लिए मनाही नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो आपको परमिशन लेना होगा, तो बीच के ऊपर हम परमिशन नहीं दे सकते। तब उन्होंने सजेस्ट किया कि आप फुटपाथ पे ले लीजिए, तो इस फुटपाथ पे हमने बीएमसी को अप्रोच किया, बीएमसी को लेटर दिया, कलेक्टर को दिया। फिर चार दिन पहले पता चला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की जगह है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से हमें परमिशन मिला और ट्रैफिक से हमें परमिशन मिला। पुलिस के लिए मैं गया था, अभी घुड़के साहब बैठे हुए हैं, तो बोले आप लोग यदि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कम से कम हमें बताना चाहिए था। मतलब सर 5 मिनट का काम था, हमारा कार्यक्रम 25 को होने वाला था, लेकिन अभी भी मेरे हाथ में ना पुलिस का परमिशन आया ना बीएमसी का परमिशन आया, और ये पूरा देश पूरी दुनिया राममय हो चुकी है। इसी में हम ये कार्यक्रम को करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हमारी है कि हम ये कार्यक्रम बहुत जल्द शुरू करेंगे, गुरुजी बताएंगे। और हर पूर्णिमा आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन हमारी मछुआरे भाई कोली समाज पूर्णिमा को पूजता है समुद्र देवता को, तो उसमें इसकी जो रूपरेखा है 29 ब्राह्मण आएंगे काशी से, 29 कोली महिलाएं हमारी रहेंगी, बहुत से लोग जुड़ेंगे और इस एक भव्य तरह से इस कार्यक्रम का हम लोग आयोजन करेंगे। आप लोगों आप यहाँ आए, हमारी बातों तक को लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। और किस तरह से आप एक केवल आरती रखेंगे कि इसके अलावा भगवान राम के बारे में उनके संदेश के को भी लोगों तक पहुँचाने? देखिए आरती का जो ये कार्यक्रम 2-2.5 घंटे का होगा, उसमें बहुत सी चीज़ें भगवान राम के विषय में, उनके पूर्वज के विषय में, सागर के विषय में, समुद्र के विषय में, जैसे इन्होंने बताया, गुरु जी ने बताया जालंधर किसके पुत्र थे, बिंदा उनकी पत्नी थी, जो बिंदा आज तुलसी जी के नाम से पूजी जाती हैं, बिना तुलसी के कोई भोग नहीं लगता है, उनकी भी उत्पत्ति इसी समुद्र से हुई है और राम के वंशज हैं। बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें जब आरती होगी तो ये सब आप लोगों के बीच में आएगी, और उसकी तिथि भी बहुत जल्द हम लोग घोषित करेंगे। हम लोगों ने सोचा था कि 25 तारीख को हम करें, लेकिन सारे पूरे देश में राममय चल रहा है, अभी भी हमारे पास परमिशन पूरी नहीं आ पाई है, तो ये कार्यक्रम हम फरवरी में पूर्णिमा के दिन हम करेंगे इसी जगह पे, क्योंकि हमें एक रास्ता मिल चुका है। एक बार जब परमिशन मिल जाता है तो उसी बेस पे आगे भी परमिशन मिलता है, तो हम लगे हैं, हमारा संकल्प है कि आजीवन हम ये आरती करेंगे। इसमें आप लोगों का, सभी लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग के, जैसे गुरु जी ने बताया कि अटल जी जब चले थे तो अकेले चले थे, तो वैसे हम समुद्र आरती में तो हम लोग 4 लोग 5 लोग चल रहे हैं, तो ये कल 50 या 5 लाख में लोग बैठ सकते हैं। क्या बात है। और ये आरती का उद्देश्य खाली हमारा आरती करना नहीं है, जब यहाँ आरती होगी तो यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे, ये बीच की साफ सफाई। हम चाहते हैं कि हमारा जुहू का बीच, मुंबई का बीच अदर कंट्रियों के बीच से अच्छा होके, साफ सफाई होके, सारी सुविधाएं मिले, ये हम संकल्प लेते हैं कि हम जितना भी समय देंगे इस समुद्र महाआरती में, और जो भी कुछ होगा हम यहाँ के लोगों के लिए, समुद्र के किनारे के साफ सफाई के लिए, बहुत सी हमारी योजना है। माननीय गुरु जी ने जिस तरह से बताया है कि सुभाष जी, हम लोग इसको बहुत कुछ आगे लेके जाएंगे, और हम ये जन जन तक जाना चाहते हैं। आज गंगा आरती देखने के लिए यूट्यूब खोलिए, कहीं से भी लोग जाते हैं तो गंगा आरती देखते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग जब मुंबई आएँ तो उनको पता चले कि पूर्णिमा को महाआरती होने वाली है, तो उस दिन का लोग टिकट कटाएं। हम तो ये चाहेंगे कि जिस दिन आरती हो तो ये सारा सड़क जैसे छठ पूजा में जाम हो जाता है वैसे जाम हो जाए, लोग इसका आनंद लें। गुरु जी एक सवाल आपसे है, जिस तरह से हिंदुस्तान भर
भर में पूरा राममय हो। भगवान राम केवल हिंदुस्तान के भगवान नहीं थे, पूरे संसार के हैं, पूरे विश्व के। आपको क्या लगता है ऐसा कब होगा कि पूरा विश्व उनको मानने लगेगा? बहुत सुंदर बात बोलूँगा। देखिए आपसे एक बात बोलूँगा, आप के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अकेले दम पे सनातन का प्रयास किया, हमने स्वीकार किया, इसलिए पूरे विश्व में राम भगवान पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। हम आपसे दो बातें कहना चाहता हूं कि अगर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रयास किया तो आज पूरे भारत में, विश्व में राम, यहां तक कि अमेरिका के सबसे बड़ी स्क्रीन में राम मंदिर का पूजा दिखाया जाएगा, दुबई के बुर्ज खलीफा में राम मंदिर का दिखाया जाएगा। तो मेरा आप सबसे एक छोटी सी बात कहनी है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक प्रयास किया तो इतना बड़ा इतिहास बन गया, आज रामलला स्थापित हो गए, तो हमें विश्वास मानता हूँ कि पूरे विश्व में वहाँ तो राम भगवान को भेजने के लिए, बताने के लिए ज़रूरत है, लेकिन समुद्र तो अपने आप में वहाँ पे व्याप्त है, वहाँ पे है ऑलरेडी। बस हमें ये बताना है कि ये समुद्र किस प्रकार से प्रकट हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो आप सब समझ, सदा ध्यान रखिए, जो नमक खाते हैं वो कहाँ से बनता है? वेरी गुड। तो आप सब कर्जदार हैं समुद्र के, समुद्र देवता के हर तरह कर्जदार तो थे, ये भी कर्जदार हैं कि आप नमक हलाली नहीं करेंगे। आप इसलिए यहाँ आएंगे क्योंकि आपने समुद्र देवता का नमक खाया है। ऐसे ही जितने भी विश्व में समुद्र देवता का नमक खाए हैं उन सबको नमक हलाली नहीं करने दूंगा। और ऐसे ही जगह राम जैसे स्थापित हो रहे हैं वैसे समुद्र स्थापित होंगे क्योंकि उनके कुल और वंशज हैं। जय श्री राम। और कल जो रामलला जी वहाँ स्थापित होने वाले हैं अयोध्या में, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आप सबसे दिल से, मैं माननीय प्रधानमंत्री, हमारे पूरे देश में, अब एक बात समझिए, माननीय प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं बार बार, मैं कोई सांप्रदायिक या कोई नेता नहीं हूँ। एक बात मैं धर्माचार होने के नाते भी ये कहना चाहता हूँ, इसलिए उनका नाम बार बार आ रहा है कि उनका कर्म ऐसा हुआ। आज तक 500 साल में उन राम भगवान को जिनको हमने टेंट में देखा था, हमने वहाँ दर्शन करना बंद कर दिया था इस बात को कह के कि जब तक उनका, ये बताइए कैसे कोई पुत्र सोच सकता है कि उसके माँ बाप टेंट में रह रहे हों, और उस जगह पे जिस भारत को हम कहते हैं राम भरोसे हिंदुस्तान, ऐसे हिंदुस्तान जो राम के भरोसे चलता हो, ऐसे हिंदुस्तान में वो टेंट में सो रहे थे। हम आपको यही कहना चाहेंगे, आज मैं उनको इसलिए धन्यवाद कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने निष्ठा से अपना दृढ़ संकल्प करके पूरा किया। यही कार्य अगर इससे पहले वाले गवर्नमेंट भी पूरा की होती, जैसे माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने आरती का प्रारूप किया तो माननीय जी ने अभी एक मिनट में आपसे बता दिया कि उनका संकल्प था। और मैं उस संकल्प से ये भी बोलता हूँ, महाराष्ट्र में अगर सच में सनातन जिंदा रखने का काम अगर किसी ने किया था तो बाला साहब ठाकरे जी ने किया था। मैं उनका पक्ष आज भी रखता हूँ, लेकिन आज ये बात मेरी नहीं है कि वहाँ राजनीति हो। मैं कोई राजनीति मंच लेके नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ श्रद्धा विश्वास समर्पण सनातन का मंच लेके। सनातन में जिस जिसको यहाँ पे आना है तो राम मंदिर जो बन रहा है वो सनातन बन रहा है। वहाँ पे किसी को निमंत्रण मिले ना मिले, किसी को बुलाया जाए ना बुलाया जाए, कोई आना चाहे उसका दरवाज़ा खुला है, क्योंकि राम सबके हैं, राम सबके होंगे, राम सबके रहेंगे, केवल प्रधानमंत्री जी के नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी तो आज हैं, कल कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा तब भी राम राम ही रहेंगे। राम भगवान को बदलने की क्षमता ना किसी में है, ना होगी, ना वो कभी राजनीतिक थे और ना रहेंगे। राजनीति मुद्दा छोड़ के राम भगवान सदा हमारे हैं, हमारे थे, हमारे रहेंगे। और यही बात आपको कहता हूं, आपके राम थे, आपके राम हैं, आपके राम रहेंगे। तो हम भी अयोध्या, यहां भी अब अभी मैंने कहा ना, यहां से भी हम सब अयोध्या में ही हैं, क्योंकि जहां पे राम की बात होगी वहीं अयोध्या है, वहीं काशी है। तो रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।